पता है मैं कौन हूँ? एल्विश यादव। नहीं, सऊदी अरेबिया। तुम सब हल्के बढ़ रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। अभी आपका दुश्मन कौन कौन है? सबके अलावा। अच्छा कुछ बोलोगे ना तो दिखोगे भी थोड़ा, है ना? अरे भाई तू अभी आया है तो क्या हुआ? हाँ तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन? आइडिया अरे कहाँ है रचित? यहाँ हूँ भाई, सिस्टम के नीचे। अब मैं समझा एल्विश भाई क्या कहना चाह रहे थे, सिस्टम के तो नीचे रहना पड़ेगा। अब मुझे लगता है सही में सिस्टम हैंग करना पड़ेगा। तो आज हम बनाएंगे एक ट्रिब्यूट YouTube कम्युनिटी की तरफ से एल्विश भाई को। और अगर अब तक तुमने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया है तो तुम्हें पता ही लग गया होगा। तो जल्दी से जल्दी काम पर लग जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले पोस्टर के लिए हम फोटोशॉप खोल लेंगे और आई होप इस बार सिस्टम हैंग ना हो। तो पोस्टर बनाना इतना मुश्किल टास्क है तो सबसे पहले पोस्टर के लिए चेक करो एस्पेक्ट रेशियो क्या है, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारे हाथ की हाइट क्या है। उसके बाद थिएटर में जाओ, वहां जाकर चेक करो पोस्टर की लेंथ ब्रेथ क्या होती है। उसके बाद अपनी गलियों में लगे पोस्टर को चेक करो, मम्मी की सिलाई मशीन में से इंच टेप ले जाकर वहां पर ये सब चेक करो। सही बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पर पोस्टर वाली टेम्पलेट पे जाके सिलेक्ट करो और ओके कर दो। अब हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक कैनवास आ गया है, तुम चाहो तो कितना भी क्रिएटिव हो सकते हो, जैसे कि सिस्टम पोस्टर। अच्छा सॉरी, बट सही में हमें यहाँ पर कुछ भी डालने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, हमें पोस्टर पे क्या शो करना है, उस पोस्टर से क्या शो करना चाहते हैं ऑडियंस को। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ इमेजेस बहुत जरूरी है। अब पोस्टर पे क्या शो करना है उससे मेरा मतलब क्या है, यानी कि हमें पोस्टर किस बारे में दिखाना है, हम उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब तुम कहोगे ये तो पोस्टर है भाई, दो चार इमेज डाल, यहाँ से कुछ टेक्स्ट उठा के डाल दे और तेरा पोस्टर खत्म। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत चीजों का हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि खाना बनाते हुए कोई भी नमक या फिर हींग की मात्रा ज्यादा कम हो जाए तो पूरी आपकी डिश खराब हो जाती है। इसी तरह से अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें एक एक चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका फाइनल आउटपुट भी परफेक्ट आ पाएगा। ज्यादा नहीं बताता हूँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एल्विश भाई की जर्नी शो करना चाहता हूँ, उनकी लाइफ की जर्नी ले लो या फिर बिग बॉस की जर्नी ले लो। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर सब कुछ डालेंगे, जैसे कि हमारे पास अभी एक ब्लैंक कैनवस है और यहाँ पर मैं डालता हूँ एक इनफाइनाइट सड़क। अब ये खाली रोड ऐसे ही नहीं डाल दी मैंने, ये जर्नी को शो करता है। अभी यहाँ पर हम और भी चीजें डालेंगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और भाई को गाड़ियों का बहुत शौक है तो यहाँ पर हम गाड़ियां भी डाल देते हैं, जैसे कि पोर्श, वैगनआर, सॉरी जी वैगन, माई मिस्टेक, एंड फॉर्चूनर। अब ये मान लो ये ऐसे ही फॉर्चूनर है, थोड़ा पुराना मॉडल है। एंड इन सब के ऊपर आएगा बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर एल्विश यादव। एक और बात, मैंने इसी इमेज को क्यों लिया, मैं कोई और भी इमेजेस ले सकता था, जैसे कि ये वाली भी मैंने सिलेक्ट की थी और ये बिग बॉस वाली भी मैंने सिलेक्ट की थी। हालांकि यहाँ पर ये दोनों ही इमेजेस इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी की है जो मैंने यूज की है, बट मुझे अपने पोस्टर में एक विनिंग एटीट्यूड दिखाना था जो कि मुझे इस फोटो या फिर इस इमेज में दिख रहा है, बाकी में नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये येलो शर्ट वाला, इसमें भाई थोड़ा सा डिसेंट दिख रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते, हमारा वो पोस्टर में पावर और वो सब शो नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वाली इमेज ली है एंड वो इस इमेज में बहुत अच्छे से शो होता है, तो मैंने इसीलिए ये वाली इमेज ली है। एंड इसके पीछे मैं डाल दूंगा टेक्स्ट सिस्टम यादव के नाम से, सॉरी इसके पीछे मैं डाल दूंगा टेक्स्ट एल्विश यादव। अब यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को पीछे कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा। और टेक्स्ट डालना यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे पोस्टर में और कोई ज्यादा टेक्स्ट हम यूज नहीं करेंगे। कोई भी आपका ग्राफिक या फिर कोई भी टेक्स्ट आपके पोस्टर को एंड तक ले जाता है। आपका जो भी मैसेज होगा पोस्टर के जरिए वो एक टेक्स्ट बहुत ही इजिली कन्वे कर पाएगा ऑडियंस को जो वो देख रही है। एंड हमेशा से ह्यूमन आई ऑलवेज वांट टू बॉल टेक्स्ट एंड नहीं बताऊंगा क्या बोला मैंने। एंड यहाँ पर भी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि भाई की ओडी पे ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था और पोस्टर देखने वाला बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और अब ये बहुत ही क्लीन लग रहा है। तो जब भी आप पोस्टर बनाए इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। भाई की बिग बॉस जर्नी में बहुत लोगों का हाथ है, जैसे कि खास आप सब लोगों का। मीटअप पे सभी लोगों ने भाई साहब जो चक्का जाम किया था ना, इसीलिए तुम सब लोगों को भी पोस्टर में लेना जरूरी है। तो मैं एक व्लॉग से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जहाँ पर भी ऑडियंस थी, पूरा चक्का जाम था, वो ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और जैसे कि इतने सारे वोट्स भाई को मिले, इन सब में तुम्हारा ही आता है और उंगलियां और ऑटो क्लिकर। और यहाँ पर एल्विश आर्मी को लगाने के बाद थोड़ा सा सेपरेशन अलग दिख रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा धुम्मा ठाना पड़ेगा। धुम्मा PNG डर्ट
क्लाउड पीएनजी, और ये वाली इमेज मुझे सही लग रही है, पीएनजी भी है। अबे ये पीएनजी नहीं है यार, पागल बना दिया भाई। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कभी कभी कि जब गूगल इमेजेस पे तुम जाते हो और डालते हो पीएनजी, बट वहाँ पर ये तुम्हें फेक पीएनजी देखने को मिल जाती है। इसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आओ बताता हूँ। यहाँ पर कुछ भी डालो, जैसे कि मैं डालता हूँ डर्ट क्लाउड पीएनजी। अब जैसे कि तुम्हें यहाँ पर ये फेक पीएनजी मिल रही है, देखो ये फेक है। इसके लिए टूल्स में जाओ, कलर्स में जाओ, और यहाँ पर तुम्हें एक ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर दो। अब ये जितनी भी यहाँ पर तुम्हें दिख रही है ये सारी पीएनजी है, क्लिक करो। थोड़ा जैसे तुम वेट करोगे, इसे लोड होने दोगे, तो तुम्हें दिख जाएगा, ये देखो ये है पीएनजी। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है नीचे भी मैं एक रोड साइन बना सकता हूँ, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं सिस्टम हैंग। इसको थोड़ा रोड के पर्सपेक्टिव से चेंज कर देंगे, और यहाँ पर रोड का टेक्सचर दिखाने के लिए मैं डाल दूंगा ग्रंज ओवरले, एंड करता हूँ इस पे स्लाइड, और देखो ये रोड का टेक्सचर बन गया इजिली, और अब लग रहा है कि ये रोड पे लिखा है। उसके बाद भाई की इस जर्नी में उसके दोस्त भी तो साथ थे, जैसे कि लव कटारिया भाई और लक्ष्य अर्चित, इन सब का भी पोस्टर में होना जरूरी है। तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और ये वाली इमेज ले लेता हूँ। कटारिया भाई की मुझे ये इमेज बढ़िया लग रही थी तो ये ले ली, और ये वाली इमेज मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये भाईचारा दिखाता है भाई साथ में। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल्स सही कर दूंगा, और उसके बाद बिग बॉस ओटीटी ट्रॉफी भी तो बहुत जरूरी है भाई। तो यहाँ पर पीछे एकदम ग्रैंड स्केल में यहाँ पर ट्रॉफी लगा देंगे, एंड इस ट्रॉफी की मुझे बस एक ही सिंगल इमेज मिली तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। आई नो इसमें थोड़े से कलर्स खराब है, बट यही थोड़ी एक एचडी फोटो थी जो मुझे मिल पाई। एंड इन सबको मैच करने के लिए मैं बैकग्राउंड में पर्पल स्काई डाल देता हूँ, थोड़ा ये कलर मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाई की जो हुडी है, ये वाली इमेज है, ये भी थोड़ी पर्पल टोन की तरफ है। यहाँ पर जो हमारी ट्रॉफी है उसका कलर भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो हम पूरा थीम ही थोड़ा पर्पल बनाएंगे। और अब यहाँ पर थोड़े से टेक्स्ट में मैं चेंजेस कर देता हूँ जो ये थोड़ा सा अच्छा दिखे और पढ़ा जा सके, और एल्विश भाई को थोड़ा सा और ग्रैंड और हाईलाइट में दिखाने के लिए हम उनके पीछे एक ग्लो या फिर तुम कह सकते हो सूरज वो डाल देंगे, जिससे हमारे पोस्टर का मेन कैरेक्टर हाईलाइट हो। एंड ये ग्लो और रेज वाला यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। एंड नाउ एक फाइनल चीज, मैंने यहाँ पर क्राउन भी ऐड किया है, अब वो तुम बताओ कि क्राउन यहाँ पर अच्छा लग रहा है या फिर ये बिना क्राउन के अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब मैं हर चीज में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे लेता हूँ, इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर में तुम्हें मैं फाइनल दिखाता हूँ। एंड अब सब कलर्स को मैच करने के बाद मैंने थोड़े से हाइलाइट्स और शेडो बनाए, ट्रॉफी के ऊपर ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स दी जिससे ऐसा लगे एल्विश आर्मी ट्रॉफी के ऊपर बैठी हुई है। ये डिटेल थोड़ा सा पोस्टर को और ग्रैंड बनाती है, तो इसलिए मैंने डालने की कोशिश करी है। और इसके बाद सिनेमैटिक ग्रेन्स भी तो डालने हैं, और इस सब के बाद हमारा फाइनल पोस्टर रेडी है। ये दिस इज माई ट्रिब्यूट टू एल्विश भाई पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की तरफ से, और अभिषेक भाई ने भी शुरुआत से बहुत बढ़िया खेला, बट जब यूट्यूब कम्युनिटी से दोनों अंदर थे तो अलग ही मजा आ रहा था यार देखने में। जीता कोई भी हो ट्रॉफी तो अपने पास ही आई है। और तुम बताओ कमेंट करके ये पोस्टर कैसा लगा, अगली वीडियो में इसको बैनर पे छपवा दूं क्या। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। बाय।